सीतामढ़ी मिथिला का प्रमुख शहर जो पौराणिक कथाओं में माता सीता की जन्मस्थली के रूप में उल्लेखित है। जानकी मंदिर सीतामढ़ी के पश्चिमी छोर पर अवस्थित है। इस मंदिर में भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियों की स्थापना की गई है। यह पूजा स्थल हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए अति पवित्र है। सीतामढ़ी से 5 किलोमीटर पश्चिम स्थित पुनौरा में ही देवी सीता का जन्म हुआ था। मिथिला नरेश जनक ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए अपने हाथों से यह हल चलाया था। इसी दौरान एक मिद्रा पात्र में देवी सीता बालिका के रूप में उन्हें मिली। जब सीता जी का जन्म हुआ तब आसमान भी खुद को रोक न सका और बारिश की बूंदें झड़ने लगी। इन बारिश की बूंदों से जगत जननी को बचाने के लिए राजा जनक माता सीता को लेकर एक झोपड़ी की ओर गए, जो कि अब सीतामढ़ी अर्थात सीता की झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालुओं ने पुनौरा में पुनौरा धाम के अलावा यहां जानकी मंदिर की भी स्थापना की है, जो कि अब पूरे देश विदेश भर में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उर्विजा कुंड के जीर्णोद्धार के समय आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व उसके अंदर सीता माता की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसकी स्थापना जानकी मंदिर में की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान समय में जानकी मंदिर में स्थापित जानकी जी की मूर्ति वही है जो कुंड में खुदाई के समय उसके अंदर से निकली थी। सीतामढ़ी लखनदेई नदी के तट पर स्थित है। यह शहर बिहार नेपाल सीमा पर अवस्थित है। यह स्थान पटना से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीतामढ़ी त्रेता युगीन व्याख्यानों में दर्ज बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। सीतामढ़ी में यातायात की सुविधा काफी अच्छी है। यहाँ की सड़कें नई दिल्ली एवं कई और महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी तरह जुड़ी हैं। सीतामढ़ी जानकी सीता माता का जन्मस्थल माना जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही मन को असीम शांति प्राप्त होगी। अगर जिंदगी की भाग दौड़ से फुर्सत मिले तो यहाँ एक बार जरूर पधारें।